तो हम वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट स्पेस को सिंपली से डिलीट करने के लिए, और किसी को फॉरगेट को ऑप्शन नहीं आ रही है तो उस चीज़ ऑप्शन को मैं बताने वाला हूं आज, और प्लस में डाटा ट्रांसफर करने के लिए मैं बताने वाला हूं। तो मतलब फर्स्ट स्पेस से सीक्रेट स्पेस में, सीक्रेट स्पेस से फर्स्ट स्पेस में। तो चलिए मैं आपको सिंपली से वीडियो का स्टार्ट करते बिना समय का, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल ऐड करके सब्सक्राइब हम दिख रहे उसे दबा दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सिंपली से आपको अपने पहले फ़ोन को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली से सेटिंग में जानी है, ठीक है। तो सेटिंग में जाते हैं अभी, आप सिंपली से यहाँ से हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको सिंपली से क्या करनी है, सबसे नीचे स्क्रॉल करके जानी है। आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्पेशल फ्यूचर का, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फ्यूचर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। उसको सिंपली से ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली से नीचे वाला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड स्पेस करके एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो उस पर सिंपली से आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से फोकस नहीं ले रहा पा रही है हमारी कैमरा, तो इसको आप सिंपली से ओपन करिएगा। तो वहाँ पे आपका अगर बना रहेगा सेकंड स्पेस तो यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, अगर नहीं बना हुआ रहेगा तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली से क्रिएट करके बना लेनी है या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो करनी है। यहाँ पे आपको सिंपली से हम डिलीट करने के लिए आपको डिलीट वाला जैसे ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे AMI अकाउंट का सिंपली से पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो नीचे फॉरगेट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे फॉरगेट करके अपना पासवर्ड नया बना सकते हैं, या फिर आपको पासवर्ड याद है तो हम सिंपली से हमें याद है तो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप करने के बाद यहाँ पे सिंपली से ओके वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा चुका होगा डिलीटिंग योर सेकंड स्पेस, ठीक है। इसी तरह का कुछ जैसे ही डिलीट होगा तो यहाँ पे डिलीटिंग का ऑप्शन इस तरह से राउंडिंग करते हुए जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे हो रही है। अब यहाँ पे सिंपली से देख सकते हैं लिखा चुका है डिलीट, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही डिलीट हुआ यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन हट चुका है। अब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है सेकंड स्पेस, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब बात रही डाटा, यानी कि डिलीट करने से पहले आपको डाटा ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए पहले क्या करनी है कि आपने सिंपली से सेकंड स्पेस को खोलनी है, ठीक है। तो आपको खोल कर जाननी होगी, तो आपको हम सिंपली से मैं बता देता हूँ जाकर डायरेक्ट। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली से हम सेकंड स्पेस ओपन करके आपको हम सारी बात ध्यान से समझाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सेकंड स्पेस सिंपली से ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्या करनी है, आप सेटिंग में सिंपली से इसमें भी चली जानी है। तो मैं यहाँ पे भी सेटिंग में चला जाता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे नीचे आपको उसी तरह से स्क्रॉल करके आनी है। स्क्रॉल करने के आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी उसी तरह से स्पेशल फ्यूचर करके ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उस पर सिंपली से क्लिक करना है। नीचे आपको सिंपली से सेकंड स्पेस के एक ऑप्शन दिख जाएगी, सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा मेरा फोकस नहीं कर पा रहा है, तो बराबर से आपको सबसे पहले नीचे ही मिलेगी। तो आपको सिंपली से उस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ अलाउ मांगा है, यहाँ पे अलाउ कर देनी है, ठीक है। अलाउ करने के बाद हम सिंपली से अलाउ पहले ही कर चुके हैं तो इसमें नहीं मांगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे यहाँ पे दिख सकता है कि यहाँ पे डिलीट सेकंड स्पेस, यानी कि आप सेकंड स्पेस यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। अब बात रही डाटा ट्रांसफर करने के लिए, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे मूव डाटा का एक ऑप्शन आपको सिंपली से यहाँ पे दिख जाएगा, उस पर आपको सिंपली से क्लिक करनी है। क्लिक करते हैं यहाँ पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली से देखा जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट स्पेस के अगर फिंगरप्रिंट है तो आप फिंगरप्रिंट डाल सकते हैं, या अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड इंटर पासवर्ड पर क्लिक करके डाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपली से डाल देता हूँ पासवर्ड, ऊपर में देख सकते हैं कन्फर्म फर्स्ट स्पेस पासवर्ड। तो फर्स्ट स्पेस का हम सिंपली से पासवर्ड आपको सामने ही डाल देते हैं। यहाँ पे डालने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट फोटो, इंपोर्ट फाइल्स, इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट, एक्सपोर्ट फोटो, एक्सपोर्ट फाइल, एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट स्पेस से सेकंड स्पेस में भी भेज सकते हैं आप, फर्स्ट सेकंड स्पेस का फर्स्ट स्पेस में भी ले सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है आप सेकंड स्पेस से फर्स्ट स्पेस में डाटा ट्रांसफर करने के लिए, उसके लिए आपको सिंपली से एक मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ेगी, अपने फोन में लगानी है। फोन में लगाने के बाद आपको एसडी कार्ड में सिंपली से ट्रांसफर कर देनी है, जो कि एसडी कार्ड फर्स्ट स्पेस सेकंड स्पेस दोनों में शो करती है। आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट फिर कर सकते हैं अपने फर्स्ट स्पेस में या सेकंड स्पेस में, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने करके बताया कि किस तरह से आपको डाटा ट्रांसफर करना है। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो अगर समझ चुके हैं तो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड करके जो सब्सक्राइब बटन दिख रहे हैं उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सिंपली से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए भी सिंपली से बाय।